हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप अच्छे ही होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपको सदाबहार कैसे लगाते हैं और सीड से कैसे लगाते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। कटिंग से कैसे लगाते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखो मेरा सदाबहार, ये प्लांट पूरे साल फ्लावर देता है ये। तो ये लगाते हैं, मैंने इसमें ये कटिंग ले ली है और ये इसका छोटा प्लांट है, ये मैंने यहाँ से ले लिया है। अब मैं आपको इसको लगा के दिखाती हूँ। ये वाला प्लांट भी मैंने सीड्स ये लगाया है, देखो ये वाला। और इसमें दिखाऊँ मैं आपको सीड्स, ये वाले देखो, ये जो ग्रीन ग्रीन होती है ना, ये वाली, ये सूख जाती हैं और फिर सूख के गिर जाती हैं। इनको मैं कलेक्ट कर लेती हूँ और इसी से नए प्लांट बना लेती हूँ। देखो ये भी मैंने ऐसे ही बनाया है और ये भी छोटे वाला भी ऐसे ही सीड से बनाया है। और ये किसी भी, जैसे पास में ये रखा है, इसके पास में ये गमला रखा है और इसके इसके सीड्स यहाँ गिर जाते हैं तो नया प्लांट बन जाता है। तो ये भी मैंने देखो ऐसे ही बनाया है। तो आपको मैं ये दिखाऊंगी, ये मैंने ऊपर से तोड़ के लेके आई थी, तो इसी को भी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे लगाते हैं। ये मैं तोड़ के लेके आई, इसको नीचे से ऐसे कर लेंगे, इसमें एक होल बनाएंगे और इसको ऐसे लगा देंगे। और ये मैं तोड़ के लाई थी, इसको भी मैं यहाँ पे लगा दूंगी। तो ये वाला प्लांट आपके गार्डन में जरूर होना चाहिए। ये पूरे साल ऐसे ही फूल खिले खिले रहते हैं, देखो।